आज हम देखेंगे व्हाट इज कंट्रोलिंग, उसका कंसेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको जो बार बार आपके गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, एसएससी में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले जितना सिंपल वे में हो सके उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज अ कंटूर? कंटूर इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ ग्राउंड जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। इक्वल एलिवेशन यानी सपोज आपका एक डैटम लेवल है, सपोज ये आपका 0-0 लेवल है जो यहाँ पे 100 मीटर दिया है, वहाँ से आपका 120 मीटर पे यहाँ पे एक जो अपराइज है अर्थ का, सेम इस डायरेक्शन में भी आपका 120 मीटर का एक अपराइज है, तो ये जो दोनों है वो एक सिंगल लाइन से कनेक्ट होते हैं, तो इस लाइन को कहते हैं कंटूर। ऐसे पर्टिकुलर अलग अलग जो अपराइजेस है उसे इस तरीके से जो बाउंड करती है लाइंस, इन्हें कहते हैं कंटूर लाइंस। ओके, अब देन आफ्टर व्हाट इज अ कंटूर इंटरवल? कंटूर इंटरवल किसे कहते हैं? जो आपको दो कंटूर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, उनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। और यही सेम आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या है, देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है। तो वन बाय वन देखते हैं, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। यानी वर्टिकल डिस्टेंस आपका हो गया कंटूर इंटरवल, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका ये हो जाएगा कंटूर इंटरवल, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो ये दोनों डेफिनेशन से याद में रखिएगा और कंसेप्ट वाइज इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब कंटूर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी कुछ विशेषता है जो हम देखते हैं। सबसे पहला, टू कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जो दो अलग अलग कंटूर लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, और इन केस अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वो जो कंडीशन है उसे हम क्या कहेंगे वो देखते हैं। कंटूर लाइंस जो अलग अलग एलिवेशंस की होती है वो जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है उसे हम कहते हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ ऑफ क्लेव। यानी जो पोजीशन आपका जो कंटूर का इस तरीके से बाहर निकला होगा, जो एरो मैं मूव कर रहा हूँ इस तरीके से आपका जो बाहर निकलेगा उसे आप कहेंगे ओवरहैंगिंग क्लिफ। और एक ही कंटूर एक लाइन में अगर वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल क्लिफ। तो ये दो तरीके की जो क्लिफ है, ओवरहैंगिंग और वर्टिकल, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। देन आफ्टर कंटूर लाइंस जो बहुत पास पास में है तो हमारे जो कंटूर का स्लोप है उसे कहेंगे स्टीप स्लोप, और जब हमारे कंटूर का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दूर दूर है तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेजुअल स्लोप। तो ये भी बात याद रखना है। देन आफ्टर इफ कंटूर लाइंस जो है हमारी वो इक्वली स्पेस्ड है, यानी सपोज यहाँ से 50 मीटर पे इक्वल डिस्टेंस, उसके बाद 50 मीटर पे इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हमारी कंटूर लाइन का प्लेस है तो उसे हम कहेंगे इक्वली स्पेस। और यूनिफॉर्म स्लोप, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्लोप, या आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा आपका इंक्लाइंड या बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऐसा स्लोप नहीं होगा वहाँ। उसके बाद कंटूर पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप एट दैट पॉइंट एंड क्लोज कंटूर लाइन विथ वन और मोर हायर वन इनसाइड इट रिप्रेजेंट हिल। या दो तरीके की जो हमारे कंटूर बनते हैं, एक तो आप देखिए जो इनसाइड वैल्यूज है हमारी बढ़ती जा रही है 10, 20, 30, 40, तो इस तरीके से जब इनसाइड वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये हमारी हिल बनेगी, और इसी के इनवर्स जब हमारी जो वैल्यूज है घटती जाएंगी यानी 40, 30, 20, 10 इस तरीके से जो घटती जाएगी वैल्यूज तब ये हमारा बन जाएगा वैली। देखिए जो लाइन, जिस लाइन से हम इसे गिनेंगे यानी फॉर एग्जांपल क्लोज कंट्रोल लाइन विथ वन और लोअर हायर वंस इंडिकेट डिप्रेशन विदाउट एन आउटलेट, यानी ज़्यादा से जो कम की तरफ जाएगी हमारी रिज लाइन उसे हम कहेंगे डिप्रेशन, और ज़्यादा से कम इनवर्ड जाएगी तो उसे हम कहेंगे वैली लाइन। तो ये दो तरीके की लाइंस हमारी कंटूर लाइंस में बनेगी। देन आफ्टर कंटूर लाइन क्रॉस अ वाटरशेड और अ रिज लाइन, एक कंटूर है जो रिज लाइन या वाटरशेड लाइन को आपका जो क्रॉस करता है
दे फॉर्म कर्व्स ऑफ यू शेप राउंड इट विद द कॉन्केव साइड ऑफ द कर्व टुवर्ड्स द हायर एंड. तो हायर एंड की तरफ ये आपका जो शेप बनेगा ये हमेशा यू शेप बनेगा. देन आफ्टर मेथड्स ऑफ लोकेटिंग कंटूर, हम जो कंटूर है अलग अलग तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं हमारे साइट पे. दो तरीके की जो मेथड्स है मेन, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट जो कि एक्यूरेट होती है लेकिन स्लो होती है, क्योंकि अब डायरेक्ट बहुत बड़ा आपके पास अगर एरिया है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कंटूरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका मैन पावर लगेगा, प्रिसिशन लगेगा, और ये हिली एरियाज के लिए भी आपको सूटेबल नहीं पड़ेगा. कैलकुलेशन भी आपके जो है वो एट द टाइम ऑफ सर्वे हो जाएंगे, बट ये एक ईजी तरीका नहीं रहेगा बड़े एरिया के लिए. जबकि इनडायरेक्ट मेथड चीपर, हिली एरिया के लिए सुटेबल और विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कैसे वो हम देखते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोलिंग मेथड का कुछ एग्जाम्पल है, जो हम बीच में हमारा जो भी लेवल है डंपी टैकोमीटर वो हम लगा के इस तरीके से मैन पावर की हेल्प से एक एक एरिया का जो है वो सर्वे करेंगे और लेवल मार्क्स करेंगे. बट डायरेक्ट कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मैन पावर और प्रिसीजन लगना है, इसलिए हम जनरली रेफर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हम यूज़ करते हैं बाय स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड और टैकोमेट्रिक मेथड. स्क्वायर में हम टोटल एरिया को इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं और हमारी जो रीडिंग्स है यहाँ क्रॉस सेक्शंस में लेते हैं, जो क्रॉस पॉइंट है, और यहाँ पे मार्क करके हम अपना कंट्रोल जो है वो पेज पे ड्रॉ करते हैं. उसी तरीके से क्रॉस सेक्शन में जो प्रोफाइल लेवलिंग होती है, यानी आप एक तरफ यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और क्रॉस लेवलिंग में जो आपकी रीडिंग्स लेंगे, इस तरीके से भी आप कंट्रोल की जो मैपिंग है वो कर सकते हैं. देन आफ्टर आप जो कंटूर्स है वो किस लिए यूज़ करते हैं, मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता है कंटूर्स का वो होता है आपका क्रॉस सेक्शन, यानी आपका जो ग्राउंड का टोपोग्राफी स्टडी करना वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है. इससे हमें पता चलता है कि हमारी टोपोग्राफी अपराइज डाउनराइज किस तरीके की है, जिसकी वजह से हमें जो भी प्लानिंग करनी है यानी रास्ते की या देन आफ्टर ट्रेन पटरी की, तो हम इजीली कर पाते हैं. उसके बाद इंटर विजिबिलिटी बिटवीन टू पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से जो भी हमें ट्रेसिंग करनी है हमारे मैपिंग में, रास्ते की हो या फिर आपकी जो भी कैनाल की हो, तो वो भी हम कंटूर मैप की हेल्प से कर सकते हैं. तो ये डिप्लोमा बी हर किसी को कंसेप्ट जो है बहुत यूज़फुल है. अब जब फर्दर आप अपने करियर में किसी भी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे भी आपको कंट्रोल मैप रीड करना होता है, और जो MCQs है इसी पे जो मैंने पर्टिकुलर स्लाइड्स बताई है MCQ आपके इसी के ऊपर बनेंगे, कि डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, आपका वर्टिकल इंटरवल क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है. तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप MCQ भी कोई मिस नहीं करेंगे. थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द स्पेस ऑफ होप को. थैंक यू.